एक चीज जो है ना वो भाभी का फेवरेट है। अब गैस कीजिए आप लोग, वो एक चीज होगा क्या भाभी, आप भी गैस कर सकते हैं क्या है वो चीज। अगर इन सब के अलावा कुछ और हुआ तो हम सच बता रहे, इतना कूटेंगे इसको कि फिर कोई बचाने मत आना। और अगर वैसा कुछ निकल गया ना बेटा, तो तेरा जिंदगी में खराब करेंगे मार मार के। ठीक है, मारने की मार सकते। आंटी कह रही अरे आप लोगों ने कम खाया, कोई नहीं उसने चलो मुझे खिलाया तो मजन हो गई गोपाला। हाँ नहीं तो कल भूखे कुछ काम नहीं होता था। कल भूख भी लग रही थी बड़ी तेज, दुकान भी बंद था। तो मैं यही कहावत बोलने वाला था कि भूखे वजन हो गए गोपाला। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं ऑफिस के बाहर से स्टार्ट कर रहा हूँ। और गाइज आज बाहर इतनी भयानक वाली ठंड हो रही है और कोहरा इतना ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा आगे। और ये देखिए अंकल यहाँ आग ताप रहे हैं बेचारे, हम लोग भी थोड़ा सा आग तापने आ गए हैं। दो मिनट के लिए बस बाहर आए हैं तो अभी ठंड आधी तो काँप रहे बिल्कुल, देख रहे हैं आधी क्या, मैं भी काँप रहा हूँ भाई। आग के नाम पर तो कुछ हुई नहीं। चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर ही, वैसे बाहर ठंड लग रहा है बड़ी तेज। बाहर वैसे बहुत भयानक ठंड है आज, आपको दिखाता हूँ अभी कैमरा बैक कर दे कैसा कोहरा हो रहा है इधर। ये देखिए गाइस मौसम कैसा हो रहा है आगे, तो उधर उधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा, मतलब भयानक कोहरा हो रहा है। उधरते उधरते ठंड बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये देखिए गाइस, और भाई साहब कुत्ता को देखना ठंड में, ये हम ही लोग वाला कुत्ता है ना, ना ही कोई और। तो गाइस कल तो भूपेंद्र को ऐसा बिरयानी मिल नहीं पाया था बेचारा, क्योंकि खाना सुबह बना नहीं पाता तो भूखे पेट ही ऑफिस आता है। तो आज गाइस भूपेंद्र के कहने पे मैंने मंगवा दिया भूपेंद्र के लिए बिरयानी, टेस्टी वाला जो जहाँ से हम लोग हमेशा खाते हैं उसी के से। तो सही है भूपेंद्र खाने में टेस्टी सही है। वैसे मैं पता है मैं और आदि पिछले 3 दिन से सुबह सुबह बिरयानी ही खा रहे हैं। क्या आदि 4 दिन से भाई सब बिरयानी बिरयानी। तो चलिए गाइस आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस ये है बिरयानी टेस्टी वाला जो दूसरे दुकान से आता है ना, वो वाला कल वाला तो बेकार था बिल्कुल, है ना, मजा नहीं आया कल का तो पूरा खाना ही बेकार था। वो जो आंटी खिलाई भाई साहब रोटी आया है आंटी तो यार पूछो मत, जो आटा सान रही तो उसकी दाल नहीं खा पाते। दाल सुबह का 6 बजे का बना हुआ दाल कौन खाएगा भाई। वही तो सही है, मैं अंडा खाता आदि आदि को दाल चाहिए था, नहीं तुम रोटी दाल। मुझे दाल चाहिए था, मैं अंडा नहीं खाता, मुझे दाल चाहिए था। कल भूपेंद्र को अंडा भी खिला दिया भाई हमने, मैं इसलिए तो पूछा था बार बार कि यार दाल दाल खा लूं, आदि कह रहा मत कहियो। अब तो अंडा खा लोगे तुम, अब तो एक बार खा लिया तो अब तो खा ही लेंगे। सही बात भाई साहब, लेकिन आटा सानते अगर मैं देखता ना तो फिर तो नहीं खा पाता। हाँ मैं नहीं खा पाता आंटी भाई। तभी आंटी कह रही अरे आप लोगों ने कम खाया, कोई नहीं उसने चलो मुझे खिलाया तो है ना। सही, फिर भी ठीक ठाक था, रोटी अच्छा था, बट रोटी अच्छा लगा खा के। चलिए अभी बिरयानी खाते हैं। वही गोपाला। हाँ नहीं तो कल भूखे कुछ काम नहीं होता था। कल भूख भी लग रही थी बड़ी तेज, दुकान भी बंद था। तो मैं यही कहावत बोलने वाला था कि भूखे वजन हो गए गोपाला। सही, भूखे वजन में हो गए गोपाला। तो चलिए गाइस अब फटाफट से खाया जाए अपना बिरयानी पहले। तो गाइस ये सही वक्त पे बहादुर भैया चाय भी लेके आ गए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिरयानी के साथ साथ चाय भी मजा आया था। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। हां तो ठंडा बढ़ गया बहादुर भैया। हां जी बहादुर भैया को थोड़ी ठंड लगती है। क्यों ये इंसान नहीं है क्या, क्या बात कर रहे हैं। अरे गर्मी है। सही है बेचारे, चाय बहुत अच्छा बनाते हैं टेस्ट एकदम। आप कितने टाइम उठ जाते हो सर? कितने टाइम उठ जाते हो आप सुबह में? सुबह हम उठ जाते हैं 5 बजे। 5 बजे जो बस आपको मिलती है वहाँ पे वहाँ से कितनी दूर है आपका घर? वहाँ से पैदल आते हो वहाँ तक? 20 मिनट पैदल सर। 20 मिनट पैदल चलते हो? 20 मिनट बोले तो लगभग 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर होगा। सही चाय और आ गया बिरयानी बिरयानी मस्त। चलिए खाए अब चाय पियो तो मजा आ जाएगा ठंड में। बाहर ठंड हो रहा है ना बंदे, इतना तगड़ा तुम्हें क्या, तुम नहीं गए ना बाहर, जाते फिर पता चलता। मैं नहीं जाता बाहर। तो गाइज अभी लंच करके हम लोग आ गए हैं बाहर टहलने के लिए। और गाइज ठंड ऐसा है कि अभी तक धूप भी नहीं निकला, हर तरफ कोहरा है। और चलिए अभी जहाँ लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं वहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। अभी गाइज आदि आजकल एक लड़की का वीडियो देख के खूब हंसते हैं दिन रात। क्या कैसे बोलता है आदि उसके? नहीं उसका पूरा बोलिए ना पूरा। आप अच्छा बोले। नहीं आप प्लीज। अरे अरे कौन आ गया भाई, अरे अरे कौन आ गया, आप बोलिए आप ज्यादा अच्छा बोले। नहीं प्लीज प्लीज वो अंदर करें, उधर मत करो, वही असला मसला वाला। मेरे हाथ में एक चावाई कोई असला तो नहीं, मेरे हाथ में एक चावाई कोई असला तो नहीं, और इस असले को मैं मुंह पे फेंक दूं कोई मसला तो नहीं। आ, आ।
और देख रहा बंदा मस्त, ये देखिए हमारा बेली डांसर को बिहार का, अभी अभी आगे दिखा रहा बेली डांसर, रुकिए ये देखिए गाइस हमारे एक डांसर भाई साहब, हाँ एक्सक्यूज मी, और तेरी देख रहा बंदा डांस भी कर दिया भाई, भाई भाई गजब का डांसर है ये। हाँ भूपेंद्र भी पकड़ लो, बस में ना सबको मन लगा देता है क्या? अगर ये बंदा बस में ना रहे तो किसी का मन नहीं लगेगा, सबको ये बंदा तो, ये बंदा अगर बस में ना रहे तो सब बोर हो जाएगा। भाई कहाँ से हो तुम? कहाँ से सर? दरभंगा, घर कहाँ है तुम्हारा? दरभंगा खपरा बलिया, बलिया से मैं भी हूँ, इसलिए तो बलिया से मैं हूँ, प्यार के बंदे में एक अलग ही जुनून है। ओ तेरी, ये बंदा है फरुखाबाद से, फरुखाबाद बलिया से मैं भी हूँ, अलीगढ़ से तो गाइस शाम के बज चुके हैं 6:30 और हमारे ऑफिस की हो चुकी है छुट्टी, तो चलिए गाइस निकलते हैं बाहर, अंगूठा लगाया जाए, लगा लिया है तो चलिए अब चले। तो गाइस ऑफिस से आने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं झाल मुड़ी खाने के लिए, जो कि भाभी बनाए हैं अभी मुड़ी और मिक्सचर का, तो चलिए खाते हैं गाइस। देखिए बना के लोग सब लोग पहले से यहाँ खा रहे हैं, तो मैं भी खा लेता हूँ। ये देखिए गाइस ये रहा झाल मुढ़ी बोलते हैं इसको, मिक्सचर और मुढ़ी के साथ बना हुआ है, बाकी लोग तो यहाँ कर रहे हैं खा के दम, जीभ लपलपा रहे हैं क्या, और भाभी भी इधर खा रहे हैं, चलिए हम लोग भी जरा खा लें। तो गाइस शाम का स्नैक्स खाने के बाद अब अभी तो मैं अकेले, आदि आज नहीं आए गाइस, अकेले हम लोग जा रहे हैं मंगल बाजार, क्योंकि आज मंगलवार है तो कुछ सब्जी वब्जी भी लाना ज़रूरी है। और गाइस दो ही मार्केट लगते हैं, शुक्र बाजार और मंगल बाजार, तो दोनों में से मार्केट को एक जाना पड़ेगा, तो इसलिए गाइस चलिए चलते हैं मंगल बाजार, कुछ सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बाजार, देखिए यहाँ पे कपड़ों पर ढेर सारा बिक रहा है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सब्जी मंडी में, तगड़ा भीड़ हो रहा भाई साहब। तो गाइस ढेर सारी सब्जियाँ ले ली है और अभी और आगे देख लेते हैं कुछ मिल जाए तो। तो गाइस सब्जी वब्जी लेके निकल गया हूँ मार्केट से, बहुत भारी हो गया झोला, गया कुछ कुछ खाने का सामान भी ले लिया, तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस सब्जी लेके मैं आ चुका हूँ अपनी बिल्डिंग के नीचे, भाई जाते जब तो समय तो ठंड नहीं लग रहा था, बट आते टाइम का गजब का ठंड लग रहा है, गाल और सब ठंडा हो गया, कोहरा बहुत ज़्यादा ही हो गया लग रहा है, तो चलिए गाइस हाथ पर भी ठंडे हो गए बिल्कुल, चलिए चलते हैं फटाफट से घर के अंदर। तो गाइस घर आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि ऑफिस से आकर वही कपड़ा पहना हुआ था, तो चेंज कर गाइस देखिए ये मैं दो चीज़ लेके आऊँ खाने के लिए, एक थे गुड़ के लिया और साथ में एक क्या बोलते हैं चीनी वाला है पता नहीं क्या, और इसमें है नान खटाई जो कि मंगल बाजार में फेमस डिश है नान खटाई, अच्छा लेके आए हैं, चलिए अब इसको खोलते हैं जरा और खिलाते हैं सब लोगों को। तो गाइस देखिए आते हैं बिना पूछे अकेले के लिए खाने लगे, कि सबसे पूछ तो लीजिए किसको इसको खाना है। अच्छा कौन आदि तो अपना इधर बिजी है, क्या आदि फोन बतियाने हैं, भैया उधर बिजी है, चलिए हम ही खाने ढेर सारा लेके आओ नान खटाई, ये सब लोगों का कम से कम दो तो हो जाए कम से कम। गुगी ये देखिए गाइस अभी निकालता हूँ बाहर, खा लिया खाना, ये देखिए ये रहा नान खटाई, इसका नान खटाई नाम क्यों, ना ही नान है और ना ही खाने में खट्टा लगता है। तो गाइस देखिए इस नान खटाई के साथ साथ ये भी लेके आया था मैं, ये है चीनी वाला और ये है गुड़ वाला, तो क्या बोलते हैं झिलिया ही बोलते हैं ना, शक्कर पाला, जो गोल गोल चरखुट नहीं होता, ये तो लंबा लंबा है ना, हंसी कार मिला था अभी तो, अग्निवीर बिल्कुल पक्का है, अग्निवीर पक्का है, अग्निवीर ना तो? अच्छा तो अभी यहाँ नहीं आइएगा, अभी अभी जैसे जैसे उम्र पड़ रहा है ना वैसे वैसे सब चीज इतना दूर पैदल थोड़ी आना है, हैं कैसे कभी ये फॉर्म तो कभी वो फॉर्म तो कभी ये चीज कभी वो चीज ऐसा चल रहा है, साइकिल से आ जाएगा, साइकिल में पेट्रोल थोड़ी लगता है, चलिए गाइस ये वाला खाया जाए। तो गाइस अब समय हो चुका है रात के डिनर का, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं, और गाइस थोड़ा सा समय में चेंजेस है खाने को लेके, क्योंकि गाइस ज्यादा लेट से खाने के बाद फिर वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता, और फिर लेट से सोओगे तो सुबह नींद भी लेट खुलती है, तो इस चक्कर में हम लोग अभी हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रात का डिनर करने को। गाइस आज डिनर में बना है काले चने की सब्जी और चावल, तो काला चना सब्जी गाइस ज़्यादा तो घर में बनता नहीं, कभी कभार बनता है, लेकिन खाने में गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप मतलब रेगुलरली खा रहे हो तब तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट कभी कभी खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और भाभी लोग थोड़ा अच्छा बनाते भी हैं तो इसलिए अच्छा लगता है खाना, क्यों घोड़ा ऐसा दौड़ रहा थी आप,
योर घोड़ा यस ओ तेरी बस कभी पाले पड़ जाए ना तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको आज का खाना। तो ये देखिए गाइस, कसाला चना और आलू का सब्जी और चावल और साथ में थोड़ा सा लच्छेदार प्याज काट लिया मैंने। तो चलिए अब चलते हैं खाना खाने के लिए, तो भूख बहुत तेज लग रही है मुझे तो आज। तो गाइस रात का डिनर कर लिया हम लोगों ने और गाइस आज काले चने की सब्जी इतना अच्छा लग रहा था खाने में, क्या बताऊँ आपको, बहुत दिन के बाद खाने पर ऐसे लगता है। तो फिलहाल गाइस अभी मैं आया हूँ दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि आज मुझे काम दिया गया है सबको दूध, हल्दी वाला दूध देने के लिए कि सबको बना के, क्योंकि ठंड में हल्दी वाला दूध गाइस बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप लोग भी घर में पिया कीजिए रात के समय, क्योंकि ये क्या होता है आपको बोन्स को मजबूत करता है और अच्छा मतलब सेहत अच्छा बनाए रखता है जब जुकाम वगैरह नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से दूध गर्म करते हैं फिर सब लोगों को बना के देते हैं। तो गाइस ये देखिए 3 गिलास दूध, ये है आदि का, ये मेरा और ये भैया का, तीनों का हो चुका है। तो चलिए अब सब लोगों को दे देते हैं फटाफट। आदि तो अपना दूध लेने यहीं आ गए, तो लीजिए भाई आदि अपना दूध यहीं पकड़ लीजिए भैया के लिए और अपने लेके चलते हैं, लेके चले गए। आदि पता आज हम ढेर सारे सब्जी लाए खरीद के, ठीक है, उसमें से एक चीज़ जो है ना वो भाभी का फेवरेट है। अब गैस कीजिए आप लोग कि वो एक चीज होगा क्या, भाभी आप भी गैस कर सकते हैं क्या है वो चीज, वही आप बताइए। गैस करना है, गैस नहीं करना है, गैस करना है, गैस गैस बताइए भैया भाभी सॉरी कद्दू लौकी कुछ दिन पहले भाभी कह रहे थे कि हमको खाने का मन कर रहा वाला थोड़ा अच्छा लगता है खाने, मतलब लेके आना अगर चाहो तो। अच्छा करेला करेला भाभी कब बोल दिए कि हमको खाने का मन कर रहा, भाभी तो करेला अपनी जिंदगी में ना खाए। भिंडी मुझे लसलस करता, क्या बोलता उसको, झींगा साले सब लसलस कच्चू कच्चू। अच्छा हम समझ गए सरसों का साग, ये कब बोल दिए भाभी कि हमको खाने का मन कर रहा सरसों का साग। वादे पालक हम तो कुंदरी लाने बोले इसको, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। दो तीन दिन पहले आप एक चीज बोले, सब्जी नहीं कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी तो सब्जी पे आया, अभी कुछ भी पे आ गया। मतलब रिलेट टू सब्जी ही होगा, सब्जी की दुकान में ही मिलता है वो, ठीक है। अभी आप क्या बोले हम सब्जी लाए हैं, ठीक है बता दिए, बता देना सब्जी दुकान में ही मिलता है। और भाभी बोले थे कि अब ऐसे तो कुछ भी हो सकता है यार, सब्जी दुकान में कपड़ा थोड़ी मिलेगा यार, सब्जी दुकान में आपको थोड़ी बोलेगा भैया ये लो जींस पैंट पहन लो, दे देगा उसको अगर गर्मी लग रहा होगा तो सब्जी का दुकान पे और क्या मिलता है। राजू हम एक लाइन बोलते हैं, समय का चक्र कभी भी घूम सकता है, अच्छा इसलिए कोई इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है चाहे जीत लो। सब्जी वाला दो गो ठेला लगाता है, एक तरफ टमाटर बेचता है दूसरी तरफ संतरों बेचता है। नहीं फल नहीं हो बताइए क्या है। आप खुद दो तीन दिन पहले बोलते कि राजा जाना तो लेके आने को खाने का मन करा था, अच्छा लगता है खाने में, बताइए क्या हो सकता है। हम तो कुंदरी ही बोले थे। नहीं आप भी नहीं हार गए भैया, आप भी हार गए आदि। चलिए आप लोग सब्जी ला के दिखाते हैं क्या सीताफल है। सीताफल कब से भाई बोल दी खाने का मन, अगर इन सब के अलावा कुछ और हुआ तो हम सच बता रहे इतना कूटेंगे इसको कि फिर कोई बचाने मताना। ठीक चलिए अभी सब्जी लाके आपको दिखाते हैं एक एक करके, ठीक है। अब एक एक करके नहीं वो बता दो ये बोलिए नहीं लेके आएंगे ना, नहीं उतना हमें तो देखना ही नहीं था, तू वही बता चल ठीक है। जो जो नाम हम बोले उसी में से अगर एक निकल गया तो हम इसको इतना कूटेंगे कोई रिश्तेदार सब्जी ने इसका नाम पूरा इच्छा कर रहा है धान धूड़ी लेके चुमाए। मैं धान धूड़ी लेके मतलब क्या होता है, अच्छा शादी में चुमाता हूँ, वाह वाह हमारे बच्चे वाह। तो बता तू नाम बता, हम बता नहीं सकते, दिखाएंगे आप लोग को दिखाएगा। हाँ, और अगर वैसा कुछ निकल गया ना बेटा तो तेरा जिंदगी में खराब करेंगे मार मार के। ठीक है चलिए लेके आते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए ये लोग तो गैस नहीं कर पाए, गैस नहीं कर पाए हैं। तो चलिए अभी लेके आते हैं क्या क्या सब्जी लेके आए हैं, उसी में से एक सब्जी फेवरेट है। बताइए जिस आदमी का फेवरेट है उन्हीं को पता नहीं कि मेरा क्या फेवरेट है दुनिया में, ऐसा तुम देखे नहीं भाई सब। चलिए अभी लेके आते हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस ये रहा हमारा सब्जी का झोला जिसमें आज मैं सारा सब्जी लेके आया हूँ, ये रहा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। अब क्या बेड पे रखोगे क्या? नहीं बेड पे नहीं रखना, यहाँ रखना नीचे। देखिए सबसे पहले आपकी फरमाइश पे
आपका टमाटर लेके आए हैं, परवल परवल लेके आए हैं। अरे अरे भाई तो लग गया ना, कोई बोला हम भी बोले परवल का नाम हम लिए भी हैं। और ये रहा परवल, और ये जो बोले थे भाभी लौंगा सब्जी का दुकान में ये हम आपको डालना लेके आए हैं, ठीक है। ये भाभी का फेवरेट नहीं है सब्जी का दुकान, ये भाभी का फेवरेट नहीं है, ये हम लेके आए हैं क्योंकि हमको खाने का मन था इसलिए लेके आए। इधर तुरंत उतावला होके हम बेचैन हो जाते हैं, हमको गलत सर्विस कर देंगे साले, पकड़ के ढूंढ देंगे अभी हम यही ढूंढ, ठीक है। उसके बाद लाए हैं ये बैगन, और बैगन आधा किलो का बैगन, आधा किलो, और चालीस का पाव, चालीस का पाव परवल लेके आ जान, देख ले भाई। और ये रहा करेला, ये यही फेवरेट था ना भाभी आपका। भाई साहब सबसे पहले हम ये बोल रहे थे उस परवल वाले में दो चार मिर्च कैसे है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा वजन के चक्कर में डाल दिया, तो परवल नहीं डाल पा रहा। तो ये रहा भाभी का फेवरेट, ये भी नहीं है लेके आया, बट ये फेवरेट है। एक बात बता जानी किस एंगल से चालीस का पाव करेला लेके आया। ये रहा भाभी का फेवरेट चीज, ये रहा, ओ सॉरी ये भी नहीं, ये तो मिर्च है, तो भाभी का फेवरेट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो भाभी देखिए ये चीज लाए हैं, भाभी का है फेवरेट ये, अच्छा यही फेवरेट बोलते हैं, ये भी नहीं देखना नहीं चाहेगा, नहीं फेवरेट ये, ठीक है। मारने देखिए भाभी का फेवरेट, अब आलू बचा, आलू तो नहीं है, एक और पैकेट है ना ऊपर में, एक पैकेट और है, ये हम लेके आए भाभी के लिए शकरकंद, जो भाभी तीन दिन पहले बोलते वो खाने। पहले हम कोई बात तुम बताओ, शकरकंद फ्रूट है या फल? हम क्या बोले थे? सब्जी। हम क्या बोले थे? पहले कमेंट करके बताओ, इसको अगर जितना ज्यादा लोग बोले फल के गिनती में आता है भैया, ठीक है फल के गिनती में आता है। हम क्या बोले आपको कि वो एक ऐसा चीज है जो सब्जी के दुकान में मिलता है, तुम खाओगे ना इसको, तुम सब्जी सब्जी क्या भाषण दे रहे हो? हम सब्जी बोले, हाँ बिल्कुल, चीज बोले थे चीज, ठीक है। लास्ट में इसने अपना स्टेटमेंट बदला था, लास्ट में बदला है कि सब्जी दुकान की दुकान में मिलता है। एक चीज है जो भाभी का फेवरेट, जो हमको दो तीन दिन पहले बोलते हैं हमको खाने का मन कर रहा है, इस पे हम जवाब दिए कि फेवरेट चीज बहुत कुछ हो सकता है, तो ये है कि नहीं? सब तो ठीक है, मतलब ये तुम रहीसी में 40 रुपए पाओ जो परवल चार को लेके आए, उसका हम क्या करेंगे भाभी? परवल इस जमाने अभी के समय जो परवल खाता है ना, समझो भगवान से सीधे दर्शन हो गया उसको। नहीं चार को परवल किसको किसको खिलाएंगे बताओ? चार को है और इधर भी है यार, कैसी बात कर रहे, इधर है, बंद करो, इधर दो चार पाँच छह सात आठ नौ दस गो है, दस गो है, तो आज देखे अगर भाभी बोले नहीं होते भाभी हमको अभी धज्जी फाड़ देते, तो भाभी चुपचाप, मतलब आई एम राइट, ओके। तो ये साथ में, ये साथ में ये आलू भी है, ये सब तो ठीक है, बट बता दो सुबह इसमें से क्या बना लोगे? शकरकंदी क्या बना लोगे? शकरकंदी ये तो फुल नाम नहीं है इसका, शकरकंदी शकरकंदी सी फुल नाम लेते भैया भी चुपचाप है, भैया का तगड़ा नाम लेते हैं, लेकिन भैया नेटफ्लिक्स का भी नाम रख देंगे बड़ा तगड़ा, मोबाइल का कुछ नाम है भैया रखेंगे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिसनी आगे सी मोबाइल का नाम है। ए देखो इसे तो मंगाया शकरकंदी सुखाए ले, किस लिए मंगाया इसको? हमको तो लेकिन पका हुआ खाना था, पर इसको कैसे पकाया जाए? इसको उबाला जाता है भाभी, इसको उबाल पकता भी नहीं, और अच्छा लगता है पकाने के लिए। सुनिए सुनिए, आग जो जलाती थी ना सेकने के लिए, हाँ तो उसी में डाल, हाँ तो वो लकड़ी का आग में पकाया जाता है, ये लकड़ी का आग में, ये इतना मोटा नहीं पकेगा, ये आम का लकड़ी होता है ना कच्चा लकड़ी, में उसमें जला के पकाई है तगड़ा पकेगा। हम लोग गाँव में अलुआ होता था, अलुआ ही है ये, नहीं ये थोड़ा अलग कैटेगरी, मतलब उसी में है, ये उसी प्रजाति का है लेकिन ये अलग है, अंग्रेज का जी साला इसका तो आदि तो सही है ना, देखें जी कितना, और संजोग से कितना अंदर था ये सस्पेंस, देखिए खुद ही सस्पेंस अपने आप को बनाया है, चिली पोटैटो तुम लाया है, चिली स्वीट पोटैटो बस सब चीज तो ला लिया, बस एक लहसुन लेते आते, लहसुन था एक किलो घर में, इसलिए नहीं लाया। अच्छा लाइट शुगर पोटैटो कुंदरी था बिल्कुल, मतलब उसमें बनेगा क्या, बचेगा क्या, इसलिए हम लाए ही नहीं। सुन नहीं, लाइट शुगर पोटैटो का क्या बनाएगा, इसको उबाल के, साग तो बड़ी मस्त मस्त था लेकिन आप बोले नहीं थे तो हम लिए नहीं।
आप बोला तो गया तुझे कि ये पालक लेके आना, जब मैं इसको साग लेने बोले तो क्या बोला, इतना ठंडा में साग कैसे धोइएगा। हाँ भाई ड्रामा कर दिया तो। तो सच में भाभी का केयर था हमको ना, इसीलिए हम थोड़ा सा। कितना बज गया, 11 11:30 12 तो बज ही गया होगा। 1 बज रहा रात का। हां आदि जरा ये टाइम बताइए कितना होगा। टाइम इज 11:27। तो गाइस चलिए अब सारी सब्जी को झोला के अंदर फिर से वापस झोला के अंदर डाल दे या कहीं और डाल दे, इसको फ्रिज में डाल दे। नहीं नहीं डस्टबिन में डाल दे, टेबल पे रख दो ना ऐसे। ओके भाभी की आज्ञा सर आंखों पे। तो चलिए गाइस को लेके चलते टेबल पे, रखते हैं सारे को। अब पहले यहाँ से झोला भर के लिए भाभी, ये आपके लिए लाए थे खाने के लिए, मकुरदाना। पहले हम लोग पूजा होते थे ना घर में, तो मम्मी यही चढ़ाती थी भगवान को, मजा लगता था खाने में पूरा। पसंद है नहीं वो हम बोलते रहने के लिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था ना ये मुकुरदाना। इसमें 5 दाना सबको दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको अब समेटे अभी रख दे रहे। तो देखे ना जी कितना तगड़ा सरप्राइज दिए हम भाभी को, कद्दू सरप्राइज। हाँ साले कद्दू सरप्राइज देख रहे ना, इस लम क्या बोलते लौंडे लफाड़ी देखे भाभी जी घर पे देखे हम, उसमें लड़का लोग बोलता है लौंडा लफाड़ी। महावीर जी आप पसंद है। टाइम कितना हो गया, 12 बज गया 10 बजे खाए थे बताइए, 2 घंटा हम सब लोग इधर तक घूम घाम रहे हैं। चले गाइस रात काफी हो गई, चलते हैं सोने। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड गाइस अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेके बाय बाय, गुड नाइट।